जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेमरी शाखा के बैंक मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों पर एक ग्रामीण ने घर में घुसकर लूट का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़ित ग्रामीण ने परिवार सहित वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष की शरण लेकर कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पट्टी कुम्हरा में रहने वाले ओम प्रकाश सोनी ने आज वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेमरी शाखा से वर्ष 2019 में 2 लाख का मुद्रा लोन लिया था। अभी तक वह 1.70 लाख रुपए अदा कर चुका है। गत दिवस बैंक मैनेजर अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ उसके घर पर आए और गाली गलौज करते हुए शेष राशि को जमा करने की बात कहते हुए उससे रुपए मांगे। जब उसने 2 दिन का समय मांगा तो बैंक मैनेजर ने उसके घर में रखे सोने चांदी के जेवरात तथा अन्य सामान लूट लिया और मौके से धमकाते हुए भाग गए। प्रार्थना पत्र में उसने बैंक मैनेजर सहित अन्य बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या है, क्या घटना घटी आपके? घटना ये हुई सर कि हम जो है घर पर थे और मैनेजर आया, मैनेजर ने जो एकदम सीधा चला गया और मुझसे कहा ताला खोलो। मैंने कहा मैं नहीं खोलता, मेरी लड़का बहू की है कमरा है ये, और जो खोला ताला खोल करके और मुझे जो धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। कौन सा थाना लगता? चिरगांव। थाने गए थे आप? हाँ थाने गए थे। तो कोई सुनवाई नहीं हुई जो है, ये कह रहे थे कि कल हम जो है भेजेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अभी आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम निधि सोनी है। कौन से थाने से आई आप? चिरगांव। क्या हुआ, क्या घटना घटी? हमारे मैनेजर साहब हमारा घर से सामान भर ले गए। जब हमने उन्हें रास्ते में रोक कर कहा हमारा सामान दे दो, तो बोले नहीं वो वहीं आई है बैंक में, आपका सामान वहीं मिलेगा। जब हम उसे पहुँचे तो हमने कि हमारा सामान दे दीजिए और हम आपका कर्ज भर देंगे जो कुछ भी हो। बोले नहीं आपका कर्ज सामान था हमारा, हार आती, जुमकी आती और कावरी चूड़ी आती और कावरी हाया थी, टुकड़ा थी सोने के ऊपर।